इसमें कोई दो राय नहीं कि बॉलीवुड देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्री है या थी। आज समय ये आ गया है दोस्तों कि बॉलीवुड को कोई भी घास तक नहीं डाल रहा। इसमें किसी का कोई दोष भी नहीं है, किसी की कोई गलती नहीं है, ये सब खुद बॉलीवुड के अपने कर्मों का फल है। बॉलीवुड में आज अगर हम ये बात करते हैं कि यहाँ के कलाकार अय्याश हैं और नशेड़ी हैं, तो हमें बॉलीवुड के पुराने इतिहास को खंगालना चाहिए। बॉलीवुड एक ऐसा व्यवसाय है जो 1970 से पहले बहुत ही ज्यादा घटिया और नीच माना जाता था। इज्जतदार परिवार के बच्चों के बाप तो छोड़िए, जो तवायफ और वैश्याओं के खानदान होते थे, वो भी अपने बच्चों को फिल्मों में काम नहीं कराना चाहते थे। और अगर कोई फिल्मों में करियर बनाना चाहता था, चाहे वो लड़का है या लड़की है, उसका जो परिवार होता था उससे अपना रिश्ता तोड़ देता था। या ऐसे लोग फिल्मों में आते थे जो वैश्याओं से भी गए गुजरे होते थे। इस छोटे से परिचय से आप समझ सकते हैं कि बॉलीवुड की नींव इज्जतदार लोगों ने रखी थी या नीच और गिरे हुए लोगों ने। अब आप खुद इस बात से सोचिए कि जिस व्यवसाय की शुरुआत नीच लोगों ने की थी, वहाँ काम करने वाले नैतिक रूप से अच्छे कैसे हो सकते हैं। अय्याशी इस पेशे का पहला उसूल है, और अगर अय्याशी नहीं करेंगे तो ये इस धंधे के प्रति अधूरापन होगा। यही कारण है कि यहाँ काम करने वाले कलाकारों का जमीर पूरी तरह मर चुका होता है। अय्याश लोगों की इस दुनिया में कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, जो अपने आप को इनके रंग में नहीं रंग पाए, जैसे इरफान खान और सुशांत सिंह राजपूत। लेकिन ये कुछ एक कलाकार हैं जो अपवाद हैं। बाकी ज्यादातर यहाँ के जो कलाकार हैं वो अय्याशी होते हैं। 1970 के बाद बॉलीवुड को अपग्रेड करना शुरू किया गया, जिसमें सबसे पहला काम था इसकी इमेज को सुधारने का। और बॉलीवुड इस काम में काफी सफल भी हुआ, क्योंकि आज कोई भी इंसान बॉलीवुड को गिरा हुआ नहीं मानता। उसका कारण ये है कि ये अपनी इमेज को पूरी तरह से मॉडिफाई कर चुका है। लेकिन इसमें काम आज भी वही कोठे वाले होते हैं, वैश्याओं से भी गए गुजरे होते हैं। नशाखोरी, लड़कीबाजी, लड़केबाजी और पैसे कमाने की भूख। पैसा कमाना इसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। बॉलीवुड में कहा जाता है कि ये सभी को एक समान मानते हैं, जबकि ये सच नहीं है। बॉलीवुड सबसे ज्यादा ये दिखाता है कि ये महिलाओं के हक के लिए आवाज उठाता है, या ये लोग फेमिनिज्म की बात सबसे ज्यादा करते हैं, लेकिन ये सब मात्र दिखावा होता है। बॉलीवुड कितना भी बड़ा फेमिनिस्ट बन ले, लेकिन ये इंडस्ट्री औरतों को मात्र भोग की वस्तु मानते हैं। लड़कियां सिर्फ अय्याशी और सेक्स का साधन है, यही इनकी सोच है। बॉलीवुड में कहा जाता है कि रोल के हिसाब से एक्ट्रेस को फिल्मों में काम दिया जाता है, ये भी सिर्फ दिखावा है। यहाँ रोल उसी एक्ट्रेस को दिया जाता है जो जितना ज्यादा कम्प्रोमाइज करती है। और इसका सबसे ताजा उदाहरण है गंगूबाई काठियावाड़ी। गंगूबाई जब लिखी जा रही थी तो कोई भी एक्ट्रेस फाइनल नहीं थी, यानी किसी को भी कास्ट किया जा सकता था। फिल्म लिखने के बाद प्रियंका चोपड़ा को फिल्म के लिए फाइनल किया गया, उससे बात होने लगी, लेकिन तभी दीपिका भी इस फिल्म को लेने वालों की लाइन में लग गई। दीपिका वैसे भी संजय लीला भंसाली के साथ 2013 में फिल्म गोलियों की रास लीला में काम कर चुकी थी, तो वह संजय लीला भंसाली को खुश करना अच्छे से जानती थी, क्योंकि गोलियों की रास लीला भी दीपिका को मुफ्त में नहीं मिली थी। उस फिल्म के लिए भी दीपिका ने भंसाली के साथ कई रातें न सिर्फ जाग जाग कर काटी, बल्कि रात रात भर मेहनत भी की थी। खैर, दीपिका के आते ही प्रियंका का पत्ता साफ हो गया और दीपिका से ही फिल्म की बात होने लगी। लेकिन तभी आलिया भट्ट की नजर पड़ी भंसाली की इस फिल्म पर। इससे पहले आलिया भट्ट और भंसाली सलमान खान के साथ फिल्म इंशाला में काम करने वाले थे, लेकिन वो फिल्म किसी वजह से बन नहीं पाई, तो आलिया ने खुद ही भंसाली से संपर्क किया और गंगूबाई काठियावाड़ी जैसी बड़ी फिल्म झटक ली। भंसाली को लगा था कि गंगूबाई का रोल प्रियंका चोपड़ा कर सकती है, तो उसने पीसी से बात की, लेकिन ये रोल दीपिका से होते हुए आलिया भट्ट को दिया गया, तो फ्री में तो ये रोल उसको दिया नहीं गया होगा। इसके लिए आलिया भट्ट ने भी कुछ न कुछ कीमत तो चुकाई होगी, क्योंकि भंसाली भी प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण को छोड़कर अगर आलिया भट्ट के पास आया था तो कुछ न कुछ रीजन जरूर होगा। ये सिर्फ इस एक फिल्म का किस्सा नहीं है, फिल्म में लीड रोल से लेकर कैरेक्टर रोल तक हर फिल्म में हर जगह लड़कियों और औरतों को जमकर यूज किया जाता है, और इसके बाद ही उन्हें काम दिया जाता है। फिल्मों में काम करने वाली नई लड़कियां भी आज समझती हैं कि फिल्म कैसे छीनी जाती है और कैसे झटकी जाती है। यही कारण है कि यहाँ करीना कपूर जैसी थर्ड क्लास आंटी को भी आज की डेट में भी बड़े बजट की फिल्में आसानी से मिल जाती हैं। बॉलीवुड बाहर से भले ही एक चमकदार दुनिया दिखता है दोस्तों, लेकिन अंदर से ये कोयले से भी ज्यादा काला है। इस बॉलीवुड या दुनिया के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट में आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें। वीडियो को लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं। चैनल को सब्सक्राइब कर चैनल के साथ जुड़कर हमारी आवाज बने।
दोस्तों बॉलीवुड के लिए कहा जाता है कि यहाँ के कलाकार सबसे ज्यादा औरतों के हक के लिए आवाज उठाते हैं। यहाँ औरतों को बराबर समझा जाता है और उनके साथ जरा भी भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन ये सिर्फ बॉलीवुड पीआर के द्वारा फैलाया हुआ एक झूठ है दोस्तों। असल में बॉलीवुड महिलाओं को मात्र भोग की वस्तु समझता है। यहाँ पर काम करने वाले ज्यादातर कलाकार अपने साथ में काम करने वाली सह कलाकार का ही नहीं बल्कि अपनी वाइफ्स का भी शोषण करते हैं, जिसे कुछ महिलाएं सह जाती हैं तो कुछ महिलाएं अपने पति से तलाक ले लेती हैं। और जो महिला अपने पति के साथ में जीवन गुजारती हैं, वो भी बॉलीवुड के एक्टर्स की तरह घर से बाहर ही अपनी इच्छाओं को पूरा करती हैं। बॉलीवुड में सबसे ज्यादा तलाक होते हैं। हमेशा देखने में आया है कि यहाँ पे दो दो तीन तीन शादियां हो जाती हैं, तलाक हो जाते हैं, फिर भी नेक्स्ट की तैयारी चलती रहती है। और उसका कारण यही है कि यहाँ के जो कलाकार हैं वो ऊपर से भले ही ये दिखाएं कि ये अपनी वाइफ को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, बेटर हाफ समझते हैं, लेकिन असल में ये अपनी वाइफ्स को एक कठपुतली की तरह यूज करते हैं। आमिर खान बॉलीवुड में एक बड़ा नाम है। वो हर काम को एकदम परफेक्ट तरीके से करने के लिए जाने जाते हैं। आप सभी को पता है कि आमिर खान के दो दो तलाक हो चुके हैं और अगर सीक्रेट वाइफ की बात की जाए तो इनके तीन तलाक हो चुके हैं। आमिर खान ने अभी हाल ही में एक बयान दिया है जो उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में है। आमिर खान से जब पूछा गया कि उनके दो दो तलाक हो गए, वो भी शादी में 15-15 साल गुजारने के बाद, इसका सबसे बड़ा कारण क्या मानते हैं आप? इतने लंबे समय तक शादी में रहने के बाद भी शादी तोड़ी गई तो इसका क्या कारण था? आमिर ने बताया कि वो इन शादियों के टूटने की वजह खुद के व्यवहार को मानते हैं। आमिर खान ने कहा कि उनका नेचर काफी ज्यादा डोमिनेटिंग है और वो अपने घर में हमेशा अपनी मर्जी चलाते थे। आमिर खान ने माना कि उन्होंने अपनी पत्नियों को टेकन फॉर ग्रांटेड लिया था, जिसकी वजह से उनकी शादियां टूटी। आमिर ने कहा कि वो घर का कोई फैसला लेते समय अपनी पत्नी से कभी भी डिस्कस नहीं करते थे, कभी भी उनसे शेयर नहीं करते थे। वो घर के हर फैसले अकेले लिया करते थे, जिससे उनकी पत्नी काफी ज्यादा हर्ट होती थी, लड़ाई भी होती थी, और इसी वजह से धीरे धीरे उनकी अपनी पत्नियों के साथ में जो रिश्ता था वो कमजोर होता चला गया। दोस्तों हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज माना जाता है। यहाँ औरत को पुरुष से कमतर आंका जाता है। आदमी सोचता है कि मैं जो सोच रहा हूँ वही सही है, मैं जो जानता हूँ वही सब कुछ है, मैं जो करता हूँ वही सच है, मेरी ही सुनी जाए और मेरी ही मानी जाए। यहाँ तक कि हमारे देश में आदमी अपने ही नहीं बल्कि अपनी वाइफ के फैसले भी खुद ही करता है और इसके पीछे तर्क दिया जाता है कि वो अपनी वाइफ का बुरा थोड़ी सोच।